अस्सलाम वालेकुम फूड स्टाइल विद रुमाना में आज बनना है सिंपल ज़रदा मेरे तरीके से माई सीक्रेट। जल्दी से स्टार्ट लेती हूँ, एक लाइक दे दें जल्दी से। मुझे यकीन माने ये बहुत उमदा और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और ये मैं बना रही हूँ आधा किलो चावल का। ये मैं आधा किलो चावल शैला चावल है, 2 घंटा भिगोया हुआ है। सिंपल हम जैसे नॉर्मल चावल उबालते हैं ये बिल्कुल वैसे ही मैं उबाल रही हूँ। और पानी उबाल आने के बाद डाल दिया, अब इसको ज़्यादा का कलर डाल रही हूँ। अब देखें इस टाइम पे ना आप पे डिपेंड करता है आप कलर कैसा रखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से रखिएगा कलर जैसा आपको पसंद है। तो मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ जितना मुझे कलर पसंद है, तो ये मेरे हिसाब से डन है कलर। अच्छा चावल को आपको बिल्कुल 100% तक गलाना है, तोड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा हप्पा नहीं करना है, लेकिन अंदर से बिल्कुल गले हुआ। और ये आधा कप घी यानी आधा कप से थोड़ा सा कम ये घी है। और इसमें मैंने ये देखिए 4 दाने छोटी इलायची और 4 दाने लौंग, इसको मैंने कड़कड़ा लेने यानी अरोमा आने तक इसको भूनना है। जब अरोमा अच्छी तरीके से आ जाएगा तो बारीक कटे हुए मैंने बादाम डाले, आप पिस्ता और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद है। इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब ये देखिए पूरा आधा किलो चीनी है, आधा किलो चावल है तो ये आधा किलो चीनी है। और उसमें बस छोटा सा 1 गिलास मैंने पानी डाला है ये सिर्फ पकाने के लिए। अब शीरे को देखें, इस टाइम पे बड़ा अहम चीज़ है, शीरे को हमें इतनी देर पकाना है कि इसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये देखें मैं अभी एंड में आपको चेक कराती हूँ। देखिए इस तरह हाथ में जब पकड़ेंगे ना तो हाथ में थोड़ा चिपक चिपक होना चाहिए, बस ये डन है। अब इस टाइम पे हमें चावल ऐड कर देना है। चावल ऐड करने के बाद जो है ना देखें बिल्कुल पानी छोड़ देगा, ये नहीं सोचिए कि इतना सारा पानी है ये जो चावल बिल्कुल हप्पा हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ढक्कन ढकना है और थोड़ा सा ये देखिए यानी दरमियाना आँच, ना बहुत तेज़ ना बहुत हल्का, दरमियाना आँच पे इसको कम से कम मैंने 10 मिनट के लिए पकाया है। अब मैंने दोबारा चेक करा, अभी देखिए पानी है इसको में, तो इसको मैं दोबारा 10 मिनट के लिए इसको दम लगाऊंगी। और ये देखिए इतनी आँच पे मैंने दोबारा इतनी आँच पे इसको 10 मिनट के लिए, देखिए अभी ये 10 मिनट बाद देखिए पानी खुश्क हो चुका है, तो इसको मैं दोबारा 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की हीट पे दम लगाऊंगी। अब मैंने इसमें छोटे वाले गुलाब जामुन दम पे और केवड़ा हंसा दम पे लगा दिया और 10 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रखा है। और देखिए कितना माशाल्लाह उमदा मेरा किला किला ज़रदा तैयार है, सिंपल क्विक एंड ईजी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल में नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।